हरिओम, नमो नमः, सुप्रभात। हम तो करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और आज यहाँ बहुत तेज़ हो रही है बारिश। कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और बिल्कुल बाहर जाने जैसा नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले दिखाती हूँ मौसम कैसा हो गया है, कितना खतरनाक हो गया है। देखिए बारिश से कैसा हो रहा है हमारे यहाँ का मौसम। बहुत तेज़ बारिश हो रही है लगातार, बिल्कुल अभी भी कोहरा जैसा भी लगा है, हॉल लगाया है कि डानखानों में, पहाड़ों में मतलब। तो देखते हैं दिन भर कैसा रहता है मौसम। और कल रात से हो रही है लगातार बारिश। तो चलिए करते हैं काम और मिलते हैं आपसे अभी। तो अभी बारिश हो रही है और नाश्ता पानी बन रहा है। नाश्ते में क्या बन रहा है हमारा आज? पोहा बन रहा है हमारा नाश्ते में। दीदी ने भी नहा लिया, दीदी बना रही नाश्ता, क्योंकि यहाँ आगे दीदी का काम यही रहता है नाश्ता बनाने का, और मेरा काम रहता है घर की सफाई करने का। बाकी हमारी बब्बी से मिलाते हैं आपको। हमारी बब्बी इधर आओ। चलो सबको सुप्रभातम बोलो। बोलो हाय। बोलो हाय। सुप्रभातम, कैसे हो आप सब? और ये आपने क्या पकड़ा बाबू? ये चिप नहीं है, कॉफी। टॉफी नहीं, कॉफी। कॉफी कॉफी है, ठीक है। और बब्बी आप कहाँ आए हो? नानी हाउस। नानी हाउस। तो आपको नानी हाउस कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर नानी हाउस। बहुत सुंदर नानी हाउस। अच्छा, तो बब्बी को हमारा बहुत सुंदर लग रहा है। तो बब्बी को बड़े मजा आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि बब्बी की एक फ्रेंड है कृतिका। कृतिका के साथ खेलते रहती है दिन में, और बाकी देख ही रहोगे आप इसकी मस्ती। सुबह से शाम तक इसका यही रहता है, कुछ ना कुछ करते रहती है। तो चलिए अभी नाश्ता बन रहा है हमारा, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है? अभी मिलते हैं, बोलो बाय बाय। तो अभी हमारा नाश्ता हो गया और बारिश आ रही, तो हम लोग लेटे हैं। और बब्बी ने मुझे इतना मार दिया ना, लात से मारने में लगी हुई है। और देख सकते हैं आप, ये इसका टैडी। और ये बताए इतनी शैतानी करती है, और ये मोनी को इतना मारती है ना। और ये देखो चिंगोटी काट रही है, और चिंगोटी और दांत काटने में रह रही है। तो देख सकते हो आप बब्बी की शैतानियां, कितनी शैतानी करती है हमारी बब्बी। है कौन हूँ मैं? नोनीमा। किसकी नोनीमा हूँ? नोनीमा। किसकी? मी। आप कौन हो? नोनीमा। आप, व्हाट इज योर नेम? आउनी। आउनी, वेयर आर यू फ्रॉम? देहरादून। देहरादून। और पापा का नाम? आटेतोर। आलोक। मम्मा का नाम? आलोक। नहीं, मम्मा का नाम? आलोक। मम्मा का? मम्मा। मम्मा का नाम? आलोक। नो। विनी। विनी। और नोनी का नाम? नोनीमा। तनु। तनु। नोनीमा का नाम? तनु। और मामा का नाम बताओ, 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 मामा का नाम बताओ। मामा का नाम? नितिन मामा। नितिन मामा, नानू मामा। हाँ। और बबी, नानी हाउस में बबी की फ्रेंड कौन है? नानी हाउस में बबी की फ्रेंड कौन है? मम्मी। नो। पापा। कीर्तिका। कीर्तिका। हाँ, यस। और बबी को नानी हाउस में कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर नानी हाउस। ठीक है, तो चलो फिर अब बाय कर दो सबको। बाय। तो ये बहुत शैतानी कर रही है, देखो उसके हाथ और पैर इसके ना दोनों चल रहे एक साथ। ये तो अभी हम ऐसी मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सोना की थोड़ी मस्ती भी वीडियो में डाली जाए, क्योंकि अभी जब बड़ी होगी ना फिर देखेगी ये कि मैं कितनी मस्ती करती थी। तो चलिए अभी मिलेंगे आपको, अब थोड़ी देर में। सुबह से लगातार बारिश के बाद अभी दोपहर के 1:15 हो चुके हैं, और अब जाके थोड़ा मौसम साफ हो रहा है, मतलब बारिश रुकी है, साफ भी नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप मौसम कितना बढ़िया हो रहा है हमारे चारों ओर। तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हो गया है मौसम। वैसे तो बढ़िया क्या हो रहा है, कोहरा जैसा लगा हुआ है, और बाकी बारिश थोड़ी रुकी है फिलहाल, देखिए चले जाएगा। कि मौसम आज दिन भर बारिश बारिश, और हमारे करेले के पेड़ में ना आजकल इतने ज़्यादा करेले हो रहे हैं, तो हमने करेले तोड़ रखे हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ज़रा देर में। इसमें हो रहे हैं करेले, तो ये करेले का पेड़ मैंने ऐसी लगाया था कहीं से लेके, लेकिन जो पहले थे ना हमारे करेले, वो वाला बीज नहीं मिला। वो इतने बड़े करेले थे कि एक करेले से हमारे 2 लोगों की सब्जी आराम से बन जाती थी,
वो वाले करेले अभी नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। देखिए अभी छोटा छोटा लग रहा है, तो कल हमने तोड़ रखे, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए नौला। छाता ओढ़ के जाना पड़ रहा है नौला, क्योंकि आज सुबह से मूसलाधार बारिश लगी हुई है और रास्ते भी ऐसे हो गए फिसलने वाले। तो आज हम दिन भर अंदर ही हैं, बाहर भी नहीं निकले हैं। और लगता है चाची भी आज दिन भर अंदर ही है। ये तो अंदर ही थी आज शित्य से। ये देखो यहाँ से चारी है हमने गुठमाव से। और मैं जा रही हूँ नौला और दिखाते हैं आपको नौले का भूड़ जो हो रहा है आजकल, खतरनाक वाला गाजू गाजू हो रहा है यहाँ। और देखिए कीचड़ इतना हो रहा है यहाँ को, तो फिर भी सही है लेकिन नौले में हो रहा है बिल्कुल मरने वाला। तो आपको कितना भूड़ हो रहा है यहाँ, ऐसे ही भूड़ में हमको जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए सुबह शाम। तो क्योंकि हम लोग पीने के लिए नौले से ही लाते हैं, और बाकी वैसे नहाने धोने के लिए तो नल में आता है पानी रोज़, किसी दिन मोदी वाले नल में, किसी दिन मोहंदा वाले में, दोनों में आ जाता है। और देखिए भूड़ कितना हो रहा है यहाँ। ये और अभी देखिए अंधेरा होने लग गया ना, खतरनाक दिख रहा है मौसम। और ऊपर रोड है ये, अभी मैं आ गई हूँ नौले पे। यहाँ हो रहा है फिसलने का, तो बड़े आराम से पैर रखने पड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा काई लगी हुई है यहाँ। ये देखिए, और नौले में जो पानी हो रहा है ना, वो तो हमारा नौला आजकल बिल्कुल छलक रखा है। तो मैं लेके आई हूँ डब्बा, तो मैं भरूँगी डब्बा। हमारा नौला बिल्कुल छल छलान हो रखा है, तो मैं इसमें से पानी निकालूंगी। ये देखिए, देखिए इतना भरा हुआ है नौला आजकल पानी से। देखिए ये देखिए, पूरा नौला छलक रखा है हमारा, नौला छल छल के। ये देखिए पूरा। और देखिए अब अंधेरा भी होने ही लग गया है, थोड़ा हल्का उजाला दिख रहा है। तो अब मैं जाती हूँ यहाँ से घर को सीधे। पानी मैंने भर दिया और नौले में ना बिल्कुल सबल सबल के पैर रखने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हो रहा है यहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश से नहीं, आजकल नौला भरे रहता है तो पानी आते रहता है वहाँ, जिसकी वजह से काफ़ी फिसलन हो गई है। कात लग गया है नौले में, कात तो मरने वाला हो गया है बिल्कुल। तो देखिए अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ घर को। ये देखिए कैसा हो रहा है, बिल्कुल चारों ओर धुंध भरा। चाची ने बंधार लगा रखे हैं, देखो बर्तन ये जो बंधार का पानी होता है, ये बर्तन धोने के काम, नहाने के काम आ जाता है। और बाकी अब मैं आ चुकी हूँ घर और मिलती हूँ आपसे घर जाके। इसके मौसम में गाय बच्चियाँ भी बेचारी अंदर ही रह जाती हैं, तो हमारी भी आज अंदर ही रह गई और अड़ाने में ही है। और देखिए मैंने ग्वेट साफ किया था तो पूरा पानी धुल गया, ग्वेट सफाई भी हो गई है ग्वेट की। और अभी अंधेरा होने लग गया तो हमारी लाइट भी जल गई है बाहर की। तो मैं आ गई हूँ घर और देखिए आंगनों में भी आजकल फिसलने वाला हो जाता है, पूरी काई जम जाती है। सबल सबल के पैर रखने पड़ रहे हैं, फिर बारिश की वजह से ही फिसलन होती है, गिरने का होता है। तो मैं दिखा दूँ हमारे घर पारो, हमारे पारो और डोली बिचारी का। हाँ पारो और डोली बिचारी आज अंदर ही रह गए हैं, ये चीला खाया इन्होंने और अंदर ही रह गए लाली भी। तो अभी थोड़ी देर में इनको अब पानी भी अंदर ही दिया, पानी भी कहाँ पीते ऐसे में। बस ऐसे चल रहा है हमारा आज दिन भर का, और बाकी अब हम जाते हैं अंदर को। तो देखो मैं आ गई नौले से, बबन यहाँ देखो, हाय करो। हाय। आपको आज अंदर कैसा लगा? नानी हाउस नी, आप दिन भर अंदर थे ना आज, तो आपको अच्छा लगा कि गंदा? आपको अच्छा लगा कि गंदा? अच्छा भी गंदा, अच्छा भी गंदा भी। हाँ। है यस यस। तो देखो अभी हम करते हैं अब खाने। तो देखिए हमने तोड़े करेले कल, और ये देखिए हमारे पेड़ में इस बार जो सबसे बड़ा साइज है ना करेले का, वो है इतना। तो जो मैंने पहले पिछले बार लगाए थे ना करेले, वो काफी बड़े थे, तो पिछले बार उसका बीज नहीं रख पाए हम, जिसकी वजह से बीज उजड़ गया है। तो इस बार हमको ऐसी वाले करेले मिले, तो यही वाला बीज लगा दे, वरना ना ये दो के बराबर एक करेला होता था हमारा। और इस बार छोटे छोटे ही हो रहे हैं, लेकिन जो भी हैं देखिए कितने करेले निकल रखे हैं। कल हमने छोटे छोटे सारे तोड़े हैं और अभी और हो रहे हैं, तो जहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे, कल किसी ने तोड़े थे वो पहुँच नहीं पाए हैं वहाँ, बाकी मैं तोड़ूंगी उनको अब एक दो दिन में। और ये देखिए अभी हमारी तो सब्जी हो जाती है आराम से, तो हमने छोटे छोटे बड़े बड़े सारे करेले तोड़ दिए हैं और इतने करेले हमारे निकले हैं।
तो काफ़ी बढ़िया होती है करेले की सब्जी, आप लोगों को तो पता ही होगा। और हम लोग, मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मेरी मम्मी पहले से, ताऊ जी बताते थे कि मम्मी भात के साथ भी करेले की सब्जी के, मतलब करेले की सब्जी के साथ भात खा देती थी। तो हम लोग को तो, हम तो रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन मम्मी बनाती है ना बहुत टेस्टी करेला बनाती है। तो आज धूप नहीं आई थी इसकी वजह से हमने काटे नहीं, कल धूप आएगी तो मम्मी इनको काट के थोड़ा हल्का सुखाना पड़ता है इनको, उसके बाद इसकी सब्जी बनाएगी। और वो काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाती है मम्मी, तो वो कल बनाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल हमने तोड़ के अपने करेले यहाँ रख दिए हैं और कल बनेगी इसकी सब्जी। तो बाकी दिन भर से कुछ खास ब्लॉग नहीं बना, ऐसे ही बना, क्योंकि हम लोग आज बारिश की वजह से कहीं बाहर नहीं निकले हैं और अभी ये पानी भी लेके आ चुके हैं। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और खाने पीने की होगी अब तैयारी, तो देखते हैं सब्जी क्या बनेगी आज। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलूंगी आपको और अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ये देखो हमारा बब्बू भी बोलेगा, बोलो बोलो शुभ रात्रि, बोलो बोलो यहाँ, बोलो ना यहाँ देख के बोलो शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। चलो ठीक है, अभी बाय बाय।